दिस इज आरजे मीनाक्षी फ्रॉम 94.3 माय एफएम। पहले तो सच अ प्रिविलेज, सच अ ऑनर टू बी एबल टू स्पीक टू यू सर। नॉट एट ऑल, प्लेजर। सर बहुत अच्छी हूँ और घर पे हूँ, घर से हमारा रेडियो लाइव चल रहा है सर, पूरा अपडेट। आई होप यू आर लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ, बाहर नहीं निकलना। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आई नो सर, मैं सर आपकी कोरोना वॉरियर हूँ, मोहाली में रह के हम मोहाली का रक्षा कर रहे हैं यहाँ से आपके बिहाफ पे। राइट सर। So like to say that you can either sink, swim or be the captain. Now you are the captain, Captain Amrinder Singh, Chief Minister of Punjab. Sir, बहुत बड़ी responsibility और so proud and so happy कि जिस तरह से आपने पूरे पंजाब को संभाला है। पार्टी परस्पेक्टिव से भी जो लोग बात करते हैं कि पंजाब को बहुत संभाला है आपने सर। That is my duty, तो लोगों ने भेजा था उसके लिए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बड़े प्यार से संभाला है सर। सर सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा वो ये कि COVID-19 पंजाब में इस समय आप क्या स्थिति देखते हैं, कितना संतुष्ट है आप, सेटिस्फाइड है जिस तरह से चीजें प्रोग्रेस हुई है? जी नो, इट्स गोइंग फाइन, वी डोंट हैव, इस कल से आज एक ही केस हुआ है जी। इट्स नाउ वी आर 245 केसेस हैं। 16 की अनफॉर्चुनेटली हमारी डेथ हो गई, बट 245 दे हैव गॉन अप वन सिंस यस्टरडे। बट दिस डज नॉट मीन के यू नो दिस इज अंडर कंट्रोल, बिकॉज ये तो आप जानते हो सारी दुनिया में किस तरीके से फैल रहा है। इवन कोरिया एंड चाइना एक बार कहते हैं डाउन हो गया, फिर सर्ज आ गई उसमें। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हाउ वी मेंटेन इट। जो अगर पंजाब जो हम कह रहे हैं ये लॉकडाउन को अपनाए फुली, विच आज कर रहे हैं जी, पंजाब में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं समझ, जो भी लोग हैं यहाँ पंजाब के सभी हमें सपोर्ट कर रहे हैं 100%। दैट इज व्हाई वी बीन एबल टू ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल। बट एक बार जब रिलैक्स करेंगे, विच वी विल हैव टू समडे रिलैक्स, कैरी ऑन फॉरएवर, तो उसमें दे हैव टू कंटिन्यू हैविंग दिस डिस्टेंसिंग एंड वॉशिंग ऑफ हैंड्स, जो कुछ कराना चाहते हैं, देन वी विल सी, देन मे बी वी विल ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल, अदरवाइज हालात बिगड़ सकते हैं फिर। सो बट टूडे आई एम वेरी हैप्पी, पंजाब हैज गिवन फुल सपोर्ट। इवन जब बाहर निकलते हैं, कोई केमिस्ट को जाना पड़ता है, कोई हॉस्पिटल जाना पड़ता है, किसी बैंक को जाना पड़ता है, दे आर मेंटेनिंग वॉट एवर दे आर डूइंग, एंड दैट इज व्हाई वी हैव ब्रॉट इट अंडर कंट्रोल। बिल्कुल, हमारी तो अब आई मीन वन कैजुअलिटी वी हैड, नॉट कैजुअलिटी बट सर्टनली कोरोना अफेक्टेड एक दिन में। सो आई होप दिस इज अ गुड ट्रेंड। सर दूसरा ये चीज कि नवा शहर जिसे एनआरआई बेल्ट ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, मैक्सिमम केसेस आए थे यहाँ पे, अगर हम बात करें तो 18 केसेस अकेले यहीं से थे, 18 पेशेंट्स में से केवल दो रह गए अस्पताल में, उसमें से भी एक क्योर हो गए, वो देखभाल कर रहे दूसरे का, तो ये रोल मॉडल वाली बात है। हमने एक एग्जाम्पल सेट किया, अगर राजस्थान के भीलवाड़ा की बात होती है तो पंजाब के नवा शहर की भी बात होगी। और यही बात है ना कि पीपल आर लिसनिंग टू अस, और दूसरी बात है जहाँ गाँव है इट इज मोर इजी, शहर में जरा यू नो मल्ले होते हैं वगैरह, इट्स डिफिकल्ट है लिटिल, लेकिन आज जरा मेरे 1300 गांव में से 1500 गांव थे जिन्होंने अपना लॉकडाउन नहीं किया, लेकिन बाकी गांवों ने तो सबने कर दिया, अपने बैरियर लगा दिया, और अपने रिश्तेदारों को भी नहीं अंदर जाने देते, या कोई साथ के गांव से आए उसको भी वापस भेज देते हैं। तो दैट इज दी ओनली वे हियर ऑल्सो। नवा शहर में शुरुआत ही नवा शहर से हुई थी पहले जी, जब ज्ञानी जी बाहर से हमारे आए थे, बिल्कुल, एंड वहां से इट स्प्रेड। इनफैक्ट 97 पीपल की ट्रैक डाउन हमें करना पड़ा उनके, जब उनको पॉजिटिव निकले, एंड देन ग्रेजुअली वी हैव आइसोलेटेड दोस विलेजेस। होशियारपुर देखो, दिस फोर बेल्ट, दिस बेल्ट जो द्वारा बेल्ट है ना, नवा शहर, होशियारपुर, अप टू जलंधर एंड कपूरथला, यहाँ से जो इनिशियल हमारे लोग आए थे बाहर से, देवर यू नो व्हाट द फिगर्स वर, 94,000 तो लैंड किए थे एट अमृतसर एंड मोहाली, एंड 44,000 वाया पालम। तो ये सब इस एरिया के थे, ज्यादा दुआबा एरिया के, या तो हमारे यहाँ से कोई छुट्टी करने गया था अपने रिश्तेदारों के पास बाहर, या उधर से एनआरआई वापस आए थे। तो दैट वाज द टाइप ऑफ फिगर्स वी हैड। उनमें से मोस्ट ऑफ देम वी वर एबल टू क्वारंटीन, कुछ नहीं हुआ क्वारंटीन, और क्वारंटीन जो नहीं हुआ है उनमें से एक आधा ऐसा केस निकला था विच कैन बी पिन डाउन। तो यहाँ पहला नवा शहर का गांव टोटली आइसोलेट कर दिया, 14 गांव थे होशियारपुर में मैनेज टू आइसोलेट, एंड देन ये जब खत्म हो गया एंड अंडर कंट्रोल आ गया,
फिर वो निजामुद्दीन वाली बात शुरू हो गई। पहले तो ये चार नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट थे, निजामुद्दीन वाले गए संगरूर एंड मानसा टू द सदर्न डिस्ट्रिक्ट और वहाँ 27 केस ऐसे पॉजिटिव निकले उसमें से। सो दीज आर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो हमें पुट अप करना पड़ा, लेकिन अब टाइम हो गया, एक महीना हो गया एंड अपार्ट फ्रॉम दी निजामुद्दीन केसेस बाय एंड लार्ज इट सीम्स टू बी कमिंग अंडर कंट्रोल। बाकी अब पंजाबियों के हाथ में है कि अगर ये करते रहे जो हम कहते हैं तो होपफुली इट विल कम अंडर कंट्रोल। एब्सोल्युटली सर। और सर पंजाबियों के हाथ में, पंजाबियों ने बड़े क्वेश्चन पूछे हैं, पंजाबियों ने हरियाणवी जो भी यहाँ पे 94.3 मैटम सुनते हैं सर, काफी रीच है, हम अमृतसर में भी है, जलंधर में भी है, हिसार में भी है, सब जगह सुना जाता है सर। कर्फ्यू जो एक सवाल था कि कर्फ्यू जो 3 मई तक है, आगे का इसका प्लान कैसा रहेगा? मतलब ये जो राहत कह रहे थे कि राहत हमें मिलेगी, ये राहत जो है ये हमें कब मिलेगी? मैंने आज से कोई हफ्ता पहले आई हैड गिवन 20 मेंबरी कमेटी बनाई थी ऑफ डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर तलवार थे उसमें, हमारे डॉक्टर राजकुमार थे, हमारे जो वाइस चांसलर है, फिर हम एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उसमें, वेरी सीनियर सीनियर पीपल, कि आप एक प्लान बनाओ कि हाउ वी कैन एक्सट्रिकेट इस कोविड से, हम कैसे ग्रेजुअली एक्सट्रिकेट अपने लोगों को निकाले एंड डूइंग बैक इनटू डेवलपमेंट एंड अदर वर्क। तो उसकी 3 परसों को मुझे रिपोर्ट मिल जाएगी एंड वी विल हैव अ ब्लूप्रिंट के कैसे इसको हैंडल करें हम फॉर डिसएंगेजिंग फ्रॉम दिस कर्फ्यू। ओके सर, इसी कर्फ्यू के दौरान अगर हम बात करें तो कुछ इंडस्ट्रीज के लिए रिलैक्सेशन आपने शुरू तो करा है, तो ये जो कुछ इंडस्ट्रीज को गो अहेड दिया गया, थोड़ा सा उनके लिए चीजें खुली है, इसके पीछे आपने क्या मतलब सोच क्या थी? मैंने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कॉन्टेक्ट की एंड ऑल्सो होम मिनिस्टर के, देखिए हमने यहाँ लोग हमारे बहुत, ये हमारे 12 लाख माइग्रेंट वर्कर्स हैं, 10 लाख तो लुधियाना में है, बाकी अमृतसर जलंधर में मेजर लॉट, बाकी थोड़े थोड़े बाकी शहरों में कुछ, हम मेरे पटियाले में भी है, कहीं कहीं और है, ऐसे हैं हमारे। तो मैंने उनको कहा था कि अगर एक बार ये चले जाए वापस नहीं आएंगे, अब 2-3 हफ्ते के बाद कैसे आएंगे वापस, 4 हफ्ते के बाद मुश्किल से पहुंचेंगे घर में। तो मैंने कहा था अपनी इंडस्ट्री को, आप इनको संभालो, इनको इनकी रिहाइश करो, दो इनको खाना, दो इनको वेजेस भी दो जो बड़े बड़े हैं, और उनको रखो क्योंकि 3-4-5 हफ्ते में तो काम शुरू हो जाना है आपका। फिर तो उन्होंने किया, आज कोई लेबर हमारा पंजाब का बाहर नहीं गया वापस एंड ये चल पड़ा। फिर मैंने उनको ये आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा कि आप जब ये लेबर रह रही है एंड वो ये फैक्ट्रीज के अंदर ही रह रही है, उनको कुछ काम भी करने दो, सम जो इंडस्ट्रियलिस्ट का थोड़े बहुत पैसा भी निकलाएगा जिससे इन लेबर को संभाल रहे हैं। तो वो पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर अब प्राइम मिनिस्टर जब बोले, पीछे से हमारे से बात हुई और फिर नेशनल एड्रेस भी किया, उन्होंने आजादी दे दी और अब हमारी इंडस्ट्री गेयर अप कर रही है कि जो सर्टेन टाइप ऑफ इंडस्ट्री को इन्होंने परमिशन दी है यूजफुल, जैसे अब इंडस्ट्री के लिए अब देखो यूजफुल क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस टू स्टील हो गई, वो हो गया अपना फ्रॉम गोविंदगढ़ एंड ऑल खन्ना एंड दैट साइड, फिर कॉटन आजकल नरमा है इतना, तो हमारी कॉटन मिल सारे चल रहे हैं, इस किस्म की इंडस्ट्री को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाइयों की, ये सबको परमिशन मिल गई और अब वो जो इंडस्ट्रीज है वो तैयार हो रही है काम करने। जी जी बिल्कुल जी जी। मुझे टेलीफोन आ रहे हैं बहुत, बंगाल से आए हैं, चीफ मिनिस्टर से उड़ीसा से आए हैं, उनको भी कह रहे हैं यही कि हमारे लोग यहाँ जो पंजाब में है उनका ध्यान रखो। तो मैंने कहा आप तो बिल्कुल अपनी जैसे पंजाबियों को रख रहे हैं, इनको रख रहे हैं, और जो हमारे लोग आपके पास है उनका भी ध्यान रखो आप। तो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन बन गई है। राइट जी। सो सबसे बड़ी लर्निंग सब पेशेंस डेफिनेटली पंजाबियों ने और सारों ने दिखाई है सर। एक कुछ कहना चाहेंगे सर, कोई एनीथिंग मैसेज दैट यू वांट टू गिव एवरीबॉडी हू इज लिसनिंग सर? नो, जस्ट बी केयरफुल, लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर योर फैमिली, और क्या ऐसी बात ना हो जिससे कोई नुकसान हो जाए, तो अपना ध्यान रखना बस। राइट सर, मेरे स्टाइल में बर्थडे वाला थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए, थोड़ा बहुत धन्यवाद सर, बर्थडे वाला थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।